तो हमने अभी भी डिस्कस किए तीन चार फॉर्मुले पे, जिसमें हमने बात की आपके साथ मैक्स इफ की, हमने बात की मीन इफ की, हमने सम इफ की भी बात की और हमने लार्ज और स्मॉल की भी बात की। लेकिन मुझे जो निकालना है वो अलग चीज निकालना है, मतलब कि आपके पास अगर सिंगल कंडीशन है तो आप निकाल सकते हैं ये चीज ला सकते हैं ना, बट मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, समझे? कि जैसे मेरे पास नेम, तो यहां नेम में मैं पूजा का चाहता हूं, मैं चाहता हूं लीला का, मैं चाहता हूं मनोज का, मनोज में हटा देता हूं, लीला छोड़ता हूं। उसके बाद मेरा सिटी, सिटी में मैं पूजा का ओवरऑल सिटी चाहता हूं, बट लीला का जो है हम चाहते हैं दिल्ली, और मुझे ओवरऑल नोएडा का सिटी चाहिए, सेल चाहिए। उसके बाद यहां पास मेरे पास एरिया है, एरिया में पूजा का मुझे नॉर्थ का एरिया चाहिए, ठीक है, मुझे पूजा का नॉर्थ का एरिया चाहिए। लीला का ओवरऑल चाहिए और नोएडा का भी ओवरऑल चाहिए। उसके बाद आता है क्वांटिटी, तो मुझे यहां लीला का ग्रेटर देन 50 और नोएडा का लेस देन 40 का सेल चाहिए। अब मुझे इनका ओवरऑल टोटल यहां चाहिए, ठीक है सर, ओवरऑल टोटल। अब यहां भी प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने यहां पे मुझे इंडिविजुअल सम इफ सम इफ्स जो है लगाने पड़ेंगे, देन उनका टोटल करना पड़ेगा क्या? हेलो, यस सर, ओके। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक डेटाबेस फॉर्मूला होता है, उसको हम करते हैं डी सम, डेटाबेस एनालिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। इसके किस कैटेगरी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले की खासियत है सबका लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो डेटाबेस को हम सिलेक्ट करते हैं, किस फील्ड का टोटल चाहिए, तो मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, सो क्वांटिटी को इन वर्ड कॉमा में लिख दे या फिर उसके सेल को सिलेक्ट कर ले। और क्राइटेरिया, उसके बाद हम सारे क्राइटेरिया को इकट्ठा सिलेक्ट कर लें, राइट? लेकिन ध्यान रखिएगा क्राइटेरिया में ऊपर हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि वो हेडिंग टू हेडिंग ही मैच करेगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने गया, इसने सबसे पहले तो इसने आया पूजा, पूजा को लिया, ठीक है, पूजा का एरिया नॉर्थ का लिया, फिर इसका टोटल लिया, इसका टोटल 510 से इकट्ठा रख लिया, ठीक है। फिर उसी तरीके से उसे उसी तरीके से भी क्या हुआ, वो लीला कर लिया, लीला लीला के जो है क्वार्टर में ग्रेटर देन 50 वाला को लिया, उसको अलग रख लिया। तो ऐसे इंडिविजुअली वो अपने बैकेंड में रख के फिर उसका सम यहां निकाल के दिया 785, ठीक है सर, ठीक है सर। अब डी सम के अलावा और कोई फॉर्मूले हैं, तो एक बार हम चलते हैं यहां पे एफएक्स में, जहां मुझे मेरा फॉर्मूला लिस्ट मिलेगा। तो यहां पे मेरे पास जो है डेटाबेस फॉर्मूला लिस्ट दिख रहा है। अब इसके फॉर्मूले को एक बार समझिए, सारे फॉर्मूले का लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, रिजल्ट अलग अलग, राइट? डी एवरेज, ये आपका एवरेज निकालेगा, डी काउंट आपका काउंट बस नंबर का निकालेगा, डी काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों का निकालेगा, डी गेट ए वैल्यू लुकअप करेगा वीलुकअप की तरह, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। डी मैक्स मैक्सिमम नंबर निकालेगा, डी मीन मिनिमम नंबर निकालेगा, डी प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा, उसके बाद आपका वेरिएंस निकालेगा, और वेरिएंस में ही इसमें होता है पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, डीवी बैड पी एन डीएवी पी उसी अकॉर्डिंग होता है, फिर इसका यूज हम कम करते हैं, ये आपका डेविएशन है, ये आपका वेरिएंस है। मैथमेटिक्स में थोड़ा होगा ना सर, डेविएशन का फॉर्मूला एंड वेरिएंस का फॉर्मूला सेम थी आप,
तो इस फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डी एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ डी एवरेज का फॉर्मूला हम लेंगे, डी एवरेज हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, किसका एवरेज निकालना है, मुझे एमआरपी का एवरेज निकालना है, हमने एमआरपी को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, राइट। ऐसे मुझे मान लीजिए बी मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालना है या बी कामल काउंट का निकालना है, तो डी काउंट लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, आप पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करो, देन आप सिलेक्ट करो किसका मैक्सिमम निकालना है, तो मुझे एमआरपी का मैक्सिमम निकालना है और मुझे क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, ओके। तो जितने भी फॉर्मूले में बताए और लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है,